हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 16 पानी की कहानी समझाने जा रही हूँ। पाठ का प्रारंभ हम लेखक परिचय से करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 1924 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात वे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन कार्य में लगे रहे तथा सेवानिवृत्त होने तक हिंदी विषय के उत्सुक शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करते रहे। वर्ष 2009 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें हिंदी का गद्य साहित्य, मध्ययुगीन काव्य साधना, आधुनिक कवि और काव्य, आलोचक का दायित्व, भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना आदि उल्लेखनीय है। प्रस्तुत है पाठ पानी की कहानी। हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित इस पाठ में कल्पना एवं वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर जल चक्र का रोचक वर्णन किया गया है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। प्रस्तुत पाठ में लेखक को पानी की दो बूंदों में भी सितार के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वे सजीव हो गए हैं एवं लेखक से बातें करने के लिए उत्सुक है। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे आत्मविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। हम सभी विज्ञान अर्थात साइंस के अंतर्गत यह जानते हैं कि पेड़ जितना बड़ा ज़मीन के ऊपर होता है, उतनी ही बड़ी जड़ें उसकी ज़मीन के नीचे भी होती हैं। यही बात ओस की बूंद ने लेखक से कही। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। हम सभी यह जानते हैं कि पेड़ों को जिंदा रहने के लिए जिस तरह से खाद, धूप आदि आवश्यक होता है, कार्बन डाई और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होता है, उसी प्रकार सबसे मुख्य चीज़ चाहिए होती है और वह है पानी। यही बात इस पाठ में लेखक ने कही है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया,
परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं इन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, अर्थात यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बूंद का उड़ना अर्थात द्रव्य अवस्था से भाप की अवस्था में बदलना, यह काम सूर्य की उपस्थिति में ही संभव हो सकता है। और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पनों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसे विज्ञान के साथ रिलेट करें, अर्थात साइंस के साथ उसका रिलेशन बनाकर उस लेसन को समझें। पाठ के आगे की व्याख्या द्वितीय खंड में की जाएगी। धन्यवाद।